संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अथवा जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं तब वहां संधि होती है। जैसे पुस्तकालय बराबर पुस्तक धन आलय, ऋण अ धन आ बराबर आ, पराधीनता बराबर पर धन आधीनता, ऋण अ धन आ बराबर आ, सर्वोत्तम बराबर सर्व धन उत्तम, ऋण अ धन उ बराबर ओ। संधि के तीन प्रकार हैं, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। नंबर एक स्वर संधि, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं, नंबर एक दीर्घ स्वर संधि, नंबर दो गुण स्वर संधि, नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यण स्वर संधि, नंबर पांच आयादि स्वर संधि। नंबर एक दीर्घ स्वर संधि, जो सजातीय या समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि नियमीकरण, हास्व या दीर्घ अ ई उ के आगे हास्व या दीर्घ स्वर्ग आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ ऋण मत, धन अनुसार बराबर मतानुसार, अ धन आ बराबर आ ऋण परम धन आनंद बराबर परमानंद, आ धन आ बराबर आ ऋण महा धन आत्मा बराबर महात्मा, ई धन ई बराबर ई ऋण रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, ई धन ई बराबर ई ऋण मुनि धन ईश बराबर मुनिश, ई धन ई बराबर ई ऋण रजनी धन ईश बराबर रजनीश, उ धन उ बराबर उ ऋण वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, उ धन उ बराबर उ ऋण भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। नंबर दो गुण स्वर संधि, यदि अ या आ के बाद ई या उ या ऊ अथवा ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि नियमीकरण, नंबर एक यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने पर ए बनता है, नंबर दो यदि अ या आ के आगे उ या उ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बनता है, नंबर तीन यदि अ या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने पर अर बनता है। जैसे अ धन ई बराबर ई ऋण देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, अ धन ई बराबर ए ऋण महा धन इंद्र बराबर महेंद्र, अ धन उ बराबर ओ ऋण सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, आ धन उ बराबर ओ ऋण महा धन उदय बराबर महोदय, अ धन ऋषि बराबर अर ऋण देव धन ऋषि बराबर देव ऋषि, आ धन ऋषि बराबर अर ऋण महा धन ऋषि बराबर महर्षि। नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाते हैं, और अ या आ के बाद ओ या ओ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, इस क्रिया को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि नियमीकरण, नंबर एक यदि अ आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, नंबर दो यदि अ आ के बाद ओ ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे अ धन ए बराबर ए ऋण एक धन एक बराबर एक एक, आ धन ए बराबर ए ऋण सदा धन एव बराबर सदैव, अ धन ए बराबर ए ऋण मत धन एक्य बराबर मतेक्य, आ धन ए बराबर ए ऋण महा धन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, अ धन ओ बराबर ओ ऋण दत्त धन ओष्ट।
बराबर ततोष्ट, आ धन ओ बराबर ओ ऋण महा धन ओज बराबर महोज, अ धन ओ बराबर ओ ऋण परम धन औषधि बराबर परमौषधि, आ धन ओ बराबर ओ ऋण महा धन औषधि बराबर महोषधि। नंबर चार, यण स्वर संधि, हस्व अथवा दीर्घ ई उ त्री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई ई के बदले य तथा उ के बदले व एवं त्री के बदले र हो जाता है तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। यण स्वर संधि नियमीकरण। नंबर एक, यदि ई ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का य हो जाता है। नंबर दो, यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उ का व हो जाते हैं। नंबर तीन, यदि त्री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो त्रि का र हो जाते हैं, जैसे ई धन अ बराबर य ऋण अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ई धन आ बराबर या ऋण इति धन आदि, ई धन अ बराबर य ऋण नदी धन अर्पण बराबर नदयर्पण, ई धन आ बराबर या ऋण सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन, ई धन उ बराबर यू ऋण प्रति धन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, ई धन उ बराबर यू ऋण नी धन उन बराबर न्यून, ई धन ए बराबर ये प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, ई धन ए बराबर यो ऋण देवी धन ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर्य, उ धन अ बराबर व ऋण सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ, उ धन आ बराबर वा ऋण सु धन आगत बराबर स्वागत, उ धन ई बराबर वी ऋण अनु धन इति बराबर अन्विति, उ धन ए बराबर वे ऋण अनु धन एषण बराबर अन्वेषण, त्रि धन अ बराबर र ऋण पित्र धन अनुमति बराबर पितृनुमति, त्रि धन आ बराबर रा ऋण मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, त्रि धन ई बराबर ऋण मात्र धन इच्छा बराबर मातृच्छा। नंबर पाँच, अयादि स्वर संधि, ए ए ओ ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए स्थान पर यह के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आए एवं औ के स्थान पर आओ हो जाता है, ऐसे ही अयादि स्वर संधि कहते हैं। अयादि स्वर संधि नियमीकरण। यदि ए ए ओ ओ से आगे कोई इनसे विभिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ए का आय, औ का औ तथा औ का आओ हो जाता है, जैसे ए धन अ बराबर अय ऋण ने धन अन बराबर नयन, ए धन अ बराबर आय ऋण गे धन अक बराबर गायक, ओ धन अ बराबर औ ऋण पो धन अन बराबर पवन, औ धन अ बराबर आओ ऋण पौ धन अन बराबर पावन, औ धन ई बराबर आवि ऋण नौ धन इक बराबर नाविक, औ धन उ बराबर आवु ऋण भो धन उक बराबर भावुक। नंबर दो, व्यंजन संधि। दो व्यंजनों अथवा व्यंजन स्वर के परस्पर मिलने से व्यंजन संधि होती है, अथवा व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि नियमीकरण। नंबर एक, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जैसे जगदीश बराबर जगत धन ईश। नंबर दो, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, वाक धनमय बराबर वाडमय। इसमें क च ट त प के बाद न या म होने पर प्रथम वर्ण का रूपांतरण पंचम वर्ण में हो जाता है, उदाहरण क का ड में परिवर्तन। नंबर तीन, त संबंधित विशेष नियम, त
या द के बाद छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है, जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण। नंबर चार, त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है, जैसे सत धन जैन बराबर सज्जन। नंबर पांच, म के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण हो तो म के बदले विकल्प से अनुस्वार या उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, जैसे सम धन कल्प बराबर संकल्प, समधनतोष बराबर संतोष। नंबर छः, यदि किसी के पहले स के पूर्व अ आ को छोड़कर अन्य को स्वर आता है तो स के स्थान पर श हो जाता है, जैसे अभी धनसेक बराबर अभिषेक। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण, जगत धन ईश बराबर जगदीश, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, उत धन लेख बराबर उल्लेख, उत धन डयन बराबर उड्डयन, उत धन दार बराबर उद्धार, सम धन न्यास बराबर संन्यास, सम धन योग बराबर संयोग। नंबर तीन, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि नियमीकरण। नंबर एक, यदि अ के बाद विसर्ग हो और आगे वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यशः धन गान बराबर यशोगान, मनः धन ज बराबर मनोज, मनः धन हर बराबर मनोहर, सर धन वर बराबर सरोवर, पुरः धन हित बराबर पुरोहित। नंबर दो, जब विसर्ग के पूर्व ई उ आया है और विसर्ग के बाद आ ग म घ वर्ण आए हैं तब विसर्ग के स्थान पर र होता है। विसर्ग का र में परिवर्तन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, नीह धन आशा बराबर निराशा, धु धन गुण बराबर दुर्गुण, नी धन धन बराबर निर्धन, नी धन मल बराबर निर्मल, धु धन आत्मा बराबर दुरात्मा, धु धन घटना बराबर दुर्घटना। नंबर तीन, विसर्ग के बाद च अथवा छ आने पर विसर्ग का श हो जाता है। अब हम विसर्ग के श स श में परिवर्तन को देखते हैं, नी धन चल बराबर निश्चल, नी धन छल बराबर निश्चल, धु धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र, नी धन चय बराबर निश्चय। नंबर चार, विसर्ग के बाद प फ अथवा क ख आने पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, जैसे नी धन प्राण बराबर निष्प्राण, नी धन कपट बराबर निष्कपट। नंबर पांच, विसर्ग के बाद क त स आने पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब हम विसर्ग के स्थान पर स के उदाहरण देखते हैं, नमः धन कार बराबर नमस्कार, नी धन तार बराबर निस्तार, नमः धन ते बराबर नमस्ते। नंबर छः, कुछ शब्दों के साथ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अतः धन कारण बराबर अंतः कारण, पायः धन पान बराबर पयः पान, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अधः धन पतन बराबर अधः पतन।